बढ़ाते हुए स्वच्छता मिशन को आगे बढ़े। कौन सोच सकता था कि गरीब आदमी को शौचालय मिलेगा। अगर आप सोचो हम सब हैं, दोपहर में अगर पेट खराब हो जाए माता बहन बहू बेटी बच्चे का, तो लोग शाम का इंतजार करते थे। और शाम को जब गाड़ी के हेडलाइट सड़क के किनारे हमारी बहू बेटी पर पड़ती थी, किस मुसीबत में वो खड़ी होती थी। इस पीड़ा को या गरीब आदमी समझ सकता है या आप लोग समझ सकते हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। इनके मुंह में तो चांदी का चम्मच है। जब पैदा हुए, आप सब जानते हैं इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में कहा जाता है, लंदन पढ़ने गए थे तो उस विद्यालय के चारों गेट पर गाड़ी खड़ी रहती थी और कहा जाता था कि वो पैदा हुए तो मुंह में चांदी का चम्मच था। ये आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल इंटर की किताबों में। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लगातार हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया है। आज केवल गुमराह करके लोगों को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश जनता इन्हें नकार चुकी है, केवल औपचारिक यात्रा रह गई है। हम सब जानते हैं अभी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कमला हसन जी को एक इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने देखा है? देखा है? उस इंटरव्यू की मैं कड़ी भर्सना करता हूं, निंदा करता हूं। वो चाहते हैं चाइना के आगे सरेंडर कर दिया जाए। उनके शासन कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जिस ढंग से चाइना के आगे सरेंडर करके भारत की भूभाग को देने का काम किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे। हमारी विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन तत्व हैं, उनसे भारत की सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से सेना के मनोबल को गिराने वाला है। यह कांग्रेस पार्टी अपनी मंशा साफ कर रही है कि हर स्थिति में हम भारत को कमजोर करने का काम करेंगे, भारत की सेना का मनोबल गिराने का काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि नारा दिया गया था 62 में हिंदी चीनी भाई भाई, किस भाई की बात करते हैं जो हमारे सैनिकों की तरफ भारत की सीमा की तरफ तिरछी नजर डालेगा, भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भाई भाई कहकर के केवल हिंदुस्तानी सेना का और हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल गिराने का काम राहुल गांधी और उनके नेता कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है, इसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं। ये भारत के लोगों का मनोबल गिराने की घटना है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हजारों करोड़ रुपए विदेशी चंदा मिलता है। मुझे पूरा शक है कि चाइना की कंपनियों ने जरूर इन्हें चंदा दिया होगा, इसीलिए ये चाइना की तरफदारी करके भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत की छवि, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है, भारत माता विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है, G20 जैसे सम्मेलन भारत में सपना होते थे, आज उत्तर प्रदेश में 3-3 बड़े बड़े कार्यक्रम G20 के उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी वजह से दुनिया के पैमाने पर भारत की साख बढ़ी है। और साख बढ़ी ही नहीं है, हर स्थिति में आप देख रहे हैं कि भारत वो भारत नहीं रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने शोषण करके कंगाल बना के छोड़ दिया था। भ्रष्टाचारी एक देश की छवि बनकर के रह गई थी, लगातार घोटाले पर घोटाले हो जा रहे थे। आज हमको लगभग केंद्र की सरकार को लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें लगभग 5 वर्ष 7 महीना होने जा रहा है। एक भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। सुचिता के साथ आम जनता को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को सुचिता का पाठ पढ़ा करके, बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े हैं। आज लोगों को पक्का मकान याद है, आज लोगों को पेयजल याद है, आज लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज याद है, आज लोगों को कोरोना काल याद है। आज चाइना में क्या हो रहा है, कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हम लोग बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। ये देन है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। चाइना का जो हाहाकार है, आज हम सब वैक्सीन लगा चुके हैं और ट्रिपल डोज ले चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि जब जब दुनिया में महामारी आई है, लोग महामारी से कम मरे, भुखमरी से मरे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम किया और थोड़े बहुत लोगों को 80 करोड़ से अधिक लोगों को, और फिर उसको योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को महसूस हुआ दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का लहर आ रहा है, उन्होंने 1 वर्ष के लिए योजना को बढ़ा दिया। ये महसूस होता कि आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी अपनी सरकार है, उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी अपने नेता को टहलने के लिए भेजी, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वास्तव में भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते होते
तो आप सोचो जो उनकी यात्रा निकली है उस यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ, क्या आप लोगों की नजर है क्या? मैं देख रहा था फुटेज, अफजल गुरु की फांसी का विरोध किसने किया था आप जानते हैं? ए एस दौलत रा के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था कि नहीं किया था? दिनेश जी आप बताइए, हम आप पत्रकार मित्रों से पूछना, आपको सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को, हिंदुस्तान को विखंडित करने के लिए और जो अटैक करते हैं भारत माता पर, उनके समर्थन में जो लोग हैं उनको यात्रा में आप साथ रखोगे? हिंदुस्तान की जनता आपसे पूछना चाहती है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे डैम का विरोध किया, नर्मदा डैम का विरोध किया, वो आपकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विकास को रोकने का आप काम कर रहे हो, डेवलपमेंट को रोकने का काम कर रहे हो। आज नर्मदा डैम बनने के बाद बड़ी संख्या में हजारों एकड़ लैंड सिंचित हुई है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। आप दिखाना क्या चाहते हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जवाब क्या देना चाहते हैं? मैं कह सकता हूं दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हो चुकी है, फ्लॉप तो साबित है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, और वामपंथी पूरी दुनिया से खत्म होने जा रहे हैं लेकिन अभी भी इनके दिमाग में घुसा हुआ है वामपंथ। मैं कह सकता हूं जिस ढंग से उनका पहनावा है, जो जिस ढंग से वो चाल चलन है, मैं कह सकता हूं कि वो भारत माता के प्रति कभी भी सौहार्द की भावना नहीं रख सकते। हम इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हैं और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं और उनका आभार भी प्रकट करते हैं कि आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर, इसी प्रदेश में बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रहती थी, गुंडे माफिया बदमाश लुच्चे इसी लखनऊ में जब असेंबली चलती थी मेरे पत्रकार मित्रों, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके माफिया डॉन असेंबली में आते थे। आज वही माफिया डॉन तख्ती लटकाए घूम रहे के सब्जी बेच लेंगे लेकिन गुंडई और अराजकता नहीं करेंगे। पत्रकार मित्रों आपको सवाल पूछना चाहिए विपक्षी दलों से कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को छिन्न भिन्न करने वाले लोग आज कहां हैं, या तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। मैं जनता का, प्रदेश की आम जनता का आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बातों को प्रदेश तक और देश तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की तो विचारधारा नहीं है, उत्तर प्रदेश में हो सकती है लेकिन केरल में नहीं मिलेगी। आज समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है उन्होंने जवाब दिया राहुल गांधी को, कहा है कि उनको पहले अध्ययन करना चाहिए उसके बाद इस तरीके के बयान। दरअसल आप जानते हैं कि ये दो लोग नूरी कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती सुने हैं ना, ये मिला कुश्ती होती है, इस तरीके की कुश्ती खेल करके जनता को गुमराह करते। जनता अच्छी तरह जानती है कि जितने भी ये विपक्षी दल हैं बुरी तरह चुके हुए हैं, एक भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबा हुआ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ गुंडाराज, अराजकता, माफियावाद, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में समाजवादी पार्टी का नारा है खारी प्लाट हमारा है। सब लोग जान चुके हैं कि लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ को हजरतगंज में बोनट पे टांग करके घुमाया था, कोई भूला नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त इतनी भुलक्कड़ नहीं है, सबको याद है कि ये एक पूरी तरह से गुंडों को पुष्पित पल्लवित करने वाली समाजवादी पार्टी सरकार जब जब प्रदेश में आई है प्रदेश के कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। देखो ये भाई बहन क्या कहते हैं, खुद ही डिरेल्ड हो चुके हैं। आप जानते हैं कि मोहब्बत की बात अगर करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के भावना के तहत काम किया है। हम जब गरीब कल्याण योजनाओं की सूची देखते हैं, मैंने लखनऊ की सूची देखी है, आप लखनऊ की उज्ज्वला जो हमारी गैस पहुंची है सबके घरों में, आप उसकी सूची निकाल करके देखिए, 45% से अधिक वो लोग हैं जिनकी तरफदारी करते हैं, हमारे साथ वो लोग हैं जो वास्तव में भारत माता के प्रति सच्चाई के साथ रह रहे हैं और उनके साथ विलगाववादी ताकते हैं, अलगाववादी ताकते हैं, अफजल गुरु के समर्थक लोग हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। ये लिखा पड़ी में वीडियो आप निकाल के देख लीजिए। सर एक सवाल है कि बीजेपी 80 के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी, लगातार घेराबंदी कर रहा है। देखिए लोकतंत्र में ये चुनाव एक महापर्व की तरह आते हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को लेकर के जन जन तक में हम घर घर पैठ बना चुके हैं। हमारी सदस्य संख्या देश में सबसे बड़ी है, उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दलों से सबसे बड़ी है। हमारे पास अपने कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है और शुचिता के साथ काम करने वाली कार्यकर्ताओं की टीम है। आप
उन दलों से पूछिए जिनको एक परिवार तक सीमित करने का काम किया है। नाम समाजवादी पार्टी है लेकिन वो फैमिली के लोग हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में यदि सच्चाई आप लोग पढ़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को वास्तव में जो मैनिफेस्टो था वो आचार्य नरेंद्र देव जी का था, जनेश्वर मिश्र जी का था, और वो लोग समाजवादी कहे जा सकते हैं, दादरायन जी को आप कह सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, तो ऊपर वाले अगर कहीं हमारे जो पूर्वज थे अगर स्वर्ग में बैठ करके देख रहे होंगे कि इन हाथों में समाजवादी आंदोलन चला गया। हमारे गांव में कहावत कही जाती है, आप लोगों के कही जाती होगी, एक बारात गई, बार बार पूछते थे बारात गई कुल कितने आदमी थे, कहने लगे कि बाप पूत सारे बानो मामा भरे जाऊर न कोई। कितने आदमी थे बताओ? बाप पूत सारे बानोई मामा भनेज और न कोई। कितने आदमी थे? कुल 3 आदमी थे। तो इस प्रकार के राजनीतिक दल को बनाकर समाजवादी पार्टी का जामा पहनाना बुरी तरह से जनता उग चुकी है लोगों से, और आने वाले समय में इसका जवाब लगातार दे रही 14 से हर चुनाव हारे हैं, और अब की बार हम 24 में 80-80 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ। जी जैसे आएंगे बताएंगे आपको।